हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का ब्लॉग देखिए, वो दोस्त अच्छे होने वाले हैं जिनको मेकअप अच्छा लगता है, आई मेकअप। कुछ समय पहले मैंने ऐसा मेकअप मेरे किसी ब्लॉग में क्रिएट किया था। एक्चुअली आज मैं कुछ और क्रिएट करना चाहती थी, प्लम किस्म की लुक जो ज़्यादा इंटेंस हो, पर वैसी लुक आई नहीं है। पर जो भी आया है मुझे अच्छा लगा है, पहले से डिफरेंट है पर उसके जैसा ही है। पर वो जो मैंने लुक क्रिएट की थी इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक के लिए की थी, और बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, यूट्यूब के लिए भी कुछ करो। सो मैंने सोचा है कि और एक्चुअली ये लुक जो है वैलेंटाइन डे के लिए भी अच्छी रहेगी, क्योंकि कितनी रोमांटिक लग रही है। या इस इंट्रो को फिनिश करने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे और मेरे पति का रिएक्शन लेते हैं कि वो इस मेकअप के पे कैसा रिएक्ट करते हैं, और उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि शूट कर लूँ मेरे ब्लॉग के लिए। वापस आते हैं इस वीडियो पे। ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ इस लुक के लिए। इसके लिए मैंने मॉर्फी की जैकलिन वॉल्यूम 2 यूज़ की है। काफ़ी अच्छे आई शेडोज हैं, बहुत इजीली ब्लेंड होते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को जरूर क्लिक कर लें, अदरवाइज फिर पता ही नहीं चलता मेरी वीडियो दुनिया में गुम हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है। पता नहीं क्यों बहुत सारी वीडियोज़ मेरी सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस में नहीं जा रही है मेरे दोस्तों की। सो प्लीज़ यार बेल को क्लिक कर लें। अगर आपको भी ये कंप्लेंट है कि आपने मेरी वीडियोस बहुत समय से नहीं देखी हैं, सो मे बी वो इसी वजह से है, क्योंकि बेल नहीं क्लिक की है। ये पास समय में मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। सो या इस मेकअप को करेंगे। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या इस मेकअप के साथ शुरू करते हैं। एंड एक्चुअली मैंने आईब्रो का नन्ना सा ट्यूटोरियल भी किया है। ऑलराइट दोस्तों, सो आई मेकअप को शुरू करने से पहले हम हमारे ब्रोज को फिल कर लेंगे। सबसे पहले मैं स्पूली लेके मेरे आईब्रोज को करूँगी ब्रश, क्योंकि जब हम फाउंडेशन या कोई भी फेस प्रोडक्ट लगाते हैं वो बेचारे आईब्रोज पे जम जाते हैं और आपके आईब्रोज हो जाते हैं धुंधले, और जब आप उसको ब्रश करते हैं वो वैसे ही सही लगने शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि कितना डिफरेंस लग रहा है। सो ब्रश ज़रूर से करें, अदरवाइज फिर वो चिट्टे चुट्टे अजीब हो जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ऐसे इसी को ब्रश कर लूँगी मैं, अदर साइड को ब्रश कर लूँगी। और मेरे आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मुझे जेल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल का आईब्रो जेल, और ये जो जेल है इसी के साथ ये ब्रश आया है स्पूली वाला, जिसे हम हमारे आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। एंगल ब्रश पे थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। वंस ये लाइन क्रिएट हो गई है, इसी तरह हम दूसरी तरफ कर लेंगे। आपको अपने आईब्रोज़ को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक दूसरे के साथ थोड़ा मिलता जुलता दिखें तो अच्छा है, एकदम से डिट्टो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी बचे हुए प्रोडक्ट को मैं आईब्रोज़ के इस आर्च को फिल कर लूँगी, एंड इसे हम ड्रैग कर देंगे बाहर की तरफ बहुत ही नेचुरल तरीके के साथ। अलग से लाइन बनाएंगे तो वियर्ड दिखेगी, नेचुरली किस्म की ड्रैग कर दें। इस काम को करने में हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्ट फिनिश हो चुका है। अब बिकेज इस पर प्रोडक्ट नहीं है, हम ये ब्रश को लेके यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स करेंगे जैसे यहाँ पे हेयर हो। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लेके करेंगे तो फिर यहाँ पे अजीब सी लाइनें बन जाएंगे और ये एरिया बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। जब ये काला हो जाता है तो फिर आईब्रो फेक लगने शुरू हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा नेचुरल किस्म का लगता है कि यार लाइट से डार्क हो रहा है। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैं ऐसे करती हूँ। ब्रश जो कि खाली है, जिस पर प्रोडक्ट नहीं है, उसी से हम ये आगे वाले बालों को फिल करेंगे। अगर कोई मिडल में जगह है उसको फिल कर दें और इसको बालों की तरह हम स्ट्रोक्स बना देंगे। सो आई थिंक आई एम डन विद दिस वन। इसी तरह इस तरफ मैं ज़्यादातर मेरे आईब्रोज पर बहुत ज़्यादा बारीकी से काम नहीं करती हूँ, पर जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक किस्म की आँखें बनाती हूँ उसी दिन करती हूँ, अदरवाइज मैं इतना सीरियस नहीं लेती आईब्रोज को। ओके, मैं मेरे आईब्रोज को ट्रिम घर पर करती हूँ खुद से, ट्वीज़र से या धागे से। मैं कई बार सोचती हूँ कि उसकी वीडियो शूट करूँ, पर जिस दिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कौन कैमरा ऑन करे, इससे अच्छा है कि आप ही कर लूँ। पर मैं इस बार कोशिश करूँगी कि डेफ़िनेटली शूट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने मेरे आईब्रोज किसी दूसरे बंदे से बनवाए थे 2015 में एक ही बार किए होंगे, और उससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में करवाए थे मैंने आईब्रोज। दैट्स इट। सो ये आईब्रोज हो चुके हैं, अब काफ़ी अजीब लग रहे हैं, पर चिंता ना करें, जब आई मेकअप हो गया तो फिर वो एक दूसरे से मैच हो जाते हैं। अगर मुझे आई मेकअप नहीं करना हो तो फिर मैं इससे भी लाइट करती हूँ उनको, कि थोड़े कट अजीब लगे। अब मैं ले रही हूँ ग्रेट लैश मस्कारा, उसके साथ इसको सेट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बाल आजकल
बिल्कुल काले हैं तो ये अच्छा लगेगा. अगर आपके बाल ब्राउन हैं तो मेक श्योर करें कि ब्राउन यूज़ करें ये, अदरवाइज काले आईब्रो बाल चिट्टे ब्राउन अजीब लगे. सो इस तरह हमारे आईब्रो फिल हो चुके हैं. अब हम करेंगे आई मेकअप. आई मेकअप को करने से पहले मैं थोड़ा सा मेरी आईज को कंसील कर लूँगी. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर फिटमी का लाइट. थोड़ा सा मेरी आईज लिड पे लगाऊंगी. वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ या स्किप भी कर देती हूँ क्योंकि मेरी आईज ज़्यादा डार्क नहीं है, पर अगर आपकी डार्क है तो आप कलर कंसील भी कर सकते हैं. और कलर कंसील अपनी आईज को कैसे करना है इसकी भी हम जल्दी ही वीडियो बना देंगे. पास्ट में मैंने बनाई थी बट वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है. मैं इतना कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो खबरा पढ़ने वाली आंटी हूँ. खबरा पढ़ने वाली नहीं होती हैं जो बिना साले पड़ी रान बस. पर अब हम कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल बात करें. ओके, सो ये कंसील हो चुका है. अब मैं ले रही हूँ नो फिल्टर निक्स का. इसे सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कर लेंगे फिर अगले कलर्स आएंगे नहीं. नन्हे से हैंड से लाइक थोड़ा जलो उतार दो और इन कर लो सेट, ताकि ऐसा लगे कि कुछ है, कुछ हैगा यार. आज हम मैं ओवरली लुक क्रिएट करना चाहती हूँ जो मैंने कभी नहीं की होगी. ये कितनी तो नहीं है. ओ यार वही वाला करिए ना. ओके, सो मैं यूज़ करूँगी जैकलिन हिल की नई पैलेट जो मैंने ली है. ओके, वॉल्यूम 2 पैलेट है जिसमें शेड्स हैं ये वाले. सो मुझे लगता है कि मैंने कभी इस रंग की लुक क्रिएट नहीं की है. सो ये करेंगे हम. सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक बिग फ्लफी सा ब्रश, समथिंग लाइक दिस, जो कि गंदा है, पर चिंता ना करें कि इसमें इतना प्रोडक्ट नहीं है. सो मैं ले रही हूँ दिस द शेड परफेक्शनिस्ट. वो इसलिए क्योंकि वो मेरी स्किन के साथ थोड़ा मैच करता है. ओके, सो इससे हम ऐसा ट्रांजिशन शेड ले रहे हैं. इसको यहाँ पे लगाएंगे, अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे. कोशिश करेंगे कि ऊपर ही रखें, हमारी लोअर लिड पे नहीं लेके आएंगे इसे. जब आप आई लुक क्रिएट करना शुरू करते हैं कोशिश करें कि ट्रांजिशन शेड हमेशा थोड़ा लाइट से शुरू करें, फिर ज़्यादा परफेक्शन आती है और ब्लेंड अच्छा होते हैं शेड. एंड ना ठीक है लाइक कोई शेड मैंने लगा लिया है और मैंने तसल्ली हो गई है कि कुछ तो किया है मैंने. अब मैं फ्लफी ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ, पर उसका साइज़ कुछ उनका है लाइक थोड़ा लंबा है और उतना ज़्यादा रेडिश किस्म का है, पर ऐसे कैमरे में वो थोड़ा ज़्यादा ही रेड लग रहा है, पर वो इसी फैमिली का है. सो उसको मैं लूँगी बहुत लाइट हैंड से क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा ही होगी. और उससे हम ये क्रीज में यहाँ पे लगा लेंगे. ओ या पिंक लग रहा है, नहीं. सो इससे हम धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे अंदर की तरफ बहुत लाइट हैंड से. और मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लूँगी ये, क्योंकि अगर अदरवाइज जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ रंग ये उसे चेंज ही कर देगा. और इसे हम लाइटली ब्लेंड कर देंगे, इसी तरह इस तरफ कर लेंगे. ओके, अगला शेड मैं लेने वाली हूँ नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट शेड है नेक्स्ट, उसका नाम ही नेक्स्ट है. इसे भी मैं सेम ब्रश पे ले रही हूँ, दिस वन पे, और उसी तरह हम सेम एरिया पे प्लेस करेंगे. मुझे लगता है ये थोड़ा डार्क होगा उसका, या इसी एरिया में प्लेस कर देंगे. देन हम इसको अंदर की तरफ ब्लेंड कर देंगे. वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पिंकिश किस्म की टोन है. मुझे लगा था कि प्लम एंड थोड़ी इंटेंस होगी डार्क, पर नहीं, वो कर ली है. आप इसे अच्छे तरह ब्लेंड कर दें यार. ब्रश को मैं थोड़ा छोटा करूंगी अब, और मैं ले रही हूँ ओके, शेड का नाम है क्रेजी. क्रेजी को लेके हम हमारी आउटर वी को क्रेजी कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा क्रेजी चाहिए. ओके, दिस इज क्रेजी. या मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन अदर कलर्स से थी. या दिस इज क्रेजी. सो मैं आउटर वी में लगा रही हूँ. वंस मैं हैप्पी हूँ फिर मैं इसको अंदर की तरफ ब्लेंड कर दूंगी, पर मुझे डर लगना शुरू हो गया कि ये नीचे गिर जाएगा. सो उससे पहले मैं इस पर पाउडर लगा लेती हूँ, नहीं तो मेरा फेस मेकअप खराब हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए. सो मैं यूज़ कर रही हूँ रिमल लंडन का लूज पाउडर. क्रेजी शेड को यहाँ पे भी लगा लेंगे हम. थोड़ा सा आउटसाइड की तरफ ट्रैक कर रही हूँ मैं. सो जो अर्लियर हमने शेड यूज़ किया था उसी को लेके हम इस एरिया को ब्लेंड कर देंगे, अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा हार्श लग रहा है. मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था और मुझे जाना पड़ा, उतनी देर में ये कलर काइंड ऑफ सेट हो गया. अब ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा. ऑलराइट दोस्तों, सो मैं मेरी आई को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एम्पावर्ड, जो इसी फैमिली का शिमरी शेड है. मैं बिना कंसील क्रीज को कट किए करूँगी क्योंकि मुझे इसे इंटेंस करना है. मैं ज़्यादा ब्राइट किस्म की लुक नहीं चाहती हूँ, मैं डार्क स्मोकी किस्म की चाहती हूँ इसलिए. सो इसे लगा लेंगे. अब हम थोड़ा और समय स्पेंड करेंगे ब्लेंडिंग में और इसे थोड़ा और इनहेंस करेंगे ब्लैक आई शेडो के साथ. इस ब्रश पे थोड़ा प्रोडक्ट ऑलरेडी है, उसी से पहले मैं इसको कलर दे दूंगी थोड़ा. देन हम इसे थोड़ा स्मोक आउट कर लेंगे. ओके, जो पिद्दू से ब्रश से मैंने डार्क शेड लगाया था
उसी को हम इस पर ड्रैग करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहती हूँ। कई बार ना इस पॉइंट पे आके मैं थक जाती हूँ और मेरा दिल करता है छोटो यार की करना, कंप्लीट की करना। मेकअप करना भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा मैं ब्लैक कॉर्नर लगा रही हूँ। हाँ, लॉरियल का एयर वॉल्यूम मस्कारा लगा रही हूँ मैं। ओनली वन कोट, एक ही कोट लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैं लगाऊंगी देन लैशेस, सिमार लैशेस एंड ये जो नीचे मैंने पाउडर लगाया था इसको रिमूव कर देते हैं, इसने हमारे फेस मेकअप को बचा लिया है। और अब मैं मस्कारा लोअर लैशेस पे भी लगा लूँगी। मैं वाटर लाइन पे कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ, वैसे आप कोई भी शेड लगाएं जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, लैशेस के लिए मैं लगा रही हूँ स्मॉल लैशेस की ऑजी। ऑजी बहुत ज़्यादा प्रिटी लैशेस हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी लैश लाइन है स्मॉल लैशेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप खरीदें। बहुत ही ब्यूटीफुल मिंक लैशेस हैं, 3D एंड हैंडमेड है वो। ऑजी स्टाइल यूज़ करने वाली हूँ मुझ पर, क्योंकि ऑजी बहुत अच्छा एंड ड्रामेटिक है और मेरी नज़रों के सामने है। एंड हम लोग वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आप स्मॉल लैशेस ले सकते हैं और आपको आपकी लैशेस मिल जाएंगी। ऑलराइट, लैशेस लग चुकी हैं। लैशेस की अगर कोई गलती हुई है तो उसको हम आईलाइनर से फिक्स कर देंगे। मेरी ब्यूटीफुल लैशेस ने मेरी लुक को चार चांद लगा दी है दोस्तों। इनर आई कॉर्नर को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लूंगी उसी पैलेट में से ड्रामा क्वीन लेके, क्योंकि वो जो है थोड़ा पिंकिश टोन का शिमर है, उसी को लेके हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये ड्रामा क्वीन को मैं थोड़ा सा मेरी लिड पे भी लगा रही हूँ शाइनी करने के लिए, क्योंकि अच्छा शिमर है वो। So far I like this palette. I love eye makeup, man. I love eye makeup so much. Okay, so Christmas के महीने में मैंने पूरा मंथ वीडियो अपलोड की 25 डेज तक। वैसे मेरा प्लान 30 डेज तक था, पर देन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और मैंने वीडियोज़ अपलोड करना बंद कर दिया, पर हमने व्लॉग में इसको फिनिश किया। आज मैं शूट कर रही हूँ, आज न्यू ईयर है और मेरी कोशिश होने वाली है कि आज ही मैं ये वीडियो को अपलोड कर दूँ। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज लाइक 5-6 डेज से मैंने वीडियो शूट नहीं की है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया मैंने, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और काफ़ी दिन तक वो खिंच गई और अब मैं आज बेटर फील कर रही हूँ। और ये मेकअप के बाद मैं ये मैं डिफरेंट ब्यूटीफुल एनर्जी आ जाती है और अब मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा फील कर रही हूँ। सो लिप्स पर कुछ लगाया जाएगा। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ लिप्स के लिए लॉन्ग लास्टिंग रिमल लंडन का लिप लाइनर स्पाइस। इसके ऊपर मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ मैक की, शेड का नाम है परसिस्टेंट, मैट है लाइक दिस शेड। इस शेड के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ, हम लगाएंगे रिमल लंडन की रोज एंड शाइन। अच्छा लिप शेड ढूंढने में बहुत ज़्यादा शंगन मंगन करने पड़ते हैं दोस्तों मुझे, इसमें थोड़ी पिंक की कमी है, तो मैं अगेन से सेम रिमल लंडन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ हार्ट बीट। इसे हम सिर्फ मिडल में लगाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे मेरी खुद की लिपस्टिक बनानी पड़ेगी। और एक प्यारे दोस्तों, तो ये है मेरी फिनिश मेकअप लुक जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी है। आई होप ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल ज़रूर चेक करें कि टिंग टोंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो कर ले। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज़ think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. I love you guys so very much. Bye.